हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आनंद प्रजापति। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस सीरीज़ में मैं कराने वाला हूँ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं तो सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। तो पहले जानते हैं सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम का मतलब होता है कि सूर्य के चारों ओर जो चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है, उल्काएँ हैं, क्षुद्रग्रह हैं और भी कुछ आकाशीय पिंड हैं। इन सारी चीज़ों को मिलाकर जो एक समूह बनता है उसे सोलर सिस्टम कहा जाता है। और ये सारी चीज़ें क्यों इकट्ठे हैं तो ये पूछ लेता है कभी कभी एग्ज़ाम में। तो ये सारी चीज़ें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में बंधे हुए। तो यहाँ से इतना पॉइंट हमें पता चला। अब हम जानते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखो, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, यहाँ पर मैंने बहुत ही बारीक से लिखा हूँ, तो इसके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय सेलेन है। नाभिकीय सेलेन क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम मिलके एक क्रिया करते हैं। एक क्रिया होता है जिससे बहुत अत्यधिक तापमान उत्सर्जित होता है, जिसके कारण इतना ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं हो पाता। ये नाभिकीय सेलेन अभिक्रिया बहुत सालों से चल रही है। तो और अब मैं पूछूँ अगर कि हाइड्रोजन, सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, तो वो 71% है। और हीलियम कितना है? 26.5% हीलियम की मात्रा है। और सूर्य की बाहरी सतह का तापमान देखते हैं कितना है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान जो है वो है, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना है, ठीक है? तो ये याद कर लेना। अब आते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से सूर्य के कौन कौन से ग्रह हैं। तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह बुध, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। अब यहाँ पर देखा जाए बुध, तो बुध पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और पृथ्वी का सबसे छोटा ग्रह भी है। यहाँ से ये पता चला हमें। और देखिए, ये सारी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर और भी कोई चीज़ें आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र ग्रह। अब क्वेश्चन ये उठता है कि शुक्र ग्रह बुध ग्रह के बाद आता है, तो सबसे गर्म बुध ग्रह का होना चाहिए, तो शुक्र ग्रह क्यों हो जाता है? तो इसका कारण है क्योंकि देखिए, सूर्य के पास बुध होने की वजह से वहाँ जो हाइड्रोजन होता है और भी गैसें होते हैं वो नष्ट हो जाती हैं, जिससे उसका तापमान कम हो जाता है। और मंगल ग्रह पर क्या है? हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक है। हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होने के कारण उसका जो तापमान है बहुत ज़्यादा होता है। और बुध ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बुध ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र शुक्र है, ये मैंने बताया अभी। अब आते हैं पृथ्वी। पृथ्वी तीसरे नंबर की ग्रह है, इसके बारे में सभी पता होगा। और इसका एक उपग्रह है चंद्रमा। और अब मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह सौर मंडल में सूर्य का चौथा ग्रह है। सूर्य का चौथा ग्रह है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे याद कर लेना। और यह पृथ्वी से 5.44 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पर जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ जो तापमान है वो पृथ्वी के नॉर्मल ही है। और पृथ्वी जितना, मतलब पृथ्वी 365 दिनों में सूर्य की चक्कर लगाती है, ये 687 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा पाती है। तो यहाँ से इतना पॉइंट हमने कवर किया। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की, जिसको इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। शुक्र क्या है? पृथ्वी का पांचवा सबसे बड़ा और यह सबसे बड़ा ग्रह भी है। और इसके कुल उपग्रह जो हैं वो 28 उपग्रह हैं। और शुक्र ग्रह देखने में इतना अच्छा लगता है ना कि क्या बताएं। और इसका तापमान जो है, इसका तापमान बहुत कम हो जाता है, जैसे कि -130 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान गिर जाता है। तो यहाँ से ये याद रखना कि बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। और शनि ग्रह जो है पृथ्वी का छठा ग्रह है और यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है।
सूर्य का छठा ग्रह और बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये हमने कवर किया। और यहाँ एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर शनि ग्रह पर एक टाइटन नाम का उपग्रह है, टाइटन नाम का जो उपग्रह है वह बुध ग्रह के बराबर है, इतना बड़ा उपग्रह है। तो ये जो उपग्रह है ना, तो ये याद रखना, शनि ग्रह का उपग्रह जो नाम है टाइटन, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी पॉइंट हमने कवर किया। फिर इसके बाद शनि के बाद अरुण आता है, फिर वरुण आता है। तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं, एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते थे, यहीं तक इतना एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये सारी कवर कर लिए। तो